नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं आज 8 जनवरी का करंट अफेयर। तो इसके पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसके PDF नोट्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके ज़रूर देख लें और एक बार ज्वाइन कर लें। चलिए, तो जब करंट अफेयर आप लोगों के सामने आएंगे तो आप लोगों को हमेशा की तरह इसको पॉज करना है, इसका सही जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है। हाल ही में एक पुस्तक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। चार ऑप्शन आएंगे आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर एक है मनोज नरवाने, ऑप्शन नंबर बी है विपिन देसाई, ऑप्शन नंबर चार है महेंद्र खन्ना और ऑप्शन नंबर डी है धीरेंद्र झा। तो अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है नाथुराम गोडसे और इनसे संबंधित जो पुस्तक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने रखा है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि धीरेंद्र झा। तो ये इनकी पुस्तक है जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं और ये है इसके एक्सप्लेनेशन। तो प्रसिद्ध लेखक हैं धीरेंद्र झा ने जो पुस्तक है जिसका नाम मैंने आपको बताया महात्मा गांधी के हत्यारे या गांधी जी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नाम पुस्तक को लॉन्च किया है। आप देखेंगे कि जो आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक है इसमें उम्र संगठन के साथ गोडसे के संबंधों की पड़ताल करती है जिनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने महात्मा गांधी की जो है हत्या की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर अभी किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को शुरू किया है। चार ऑप्शन है आप लोगों के पास। पहला है बजाज जनरल इंश्योरेंस, दूसरा है ICICI जनरल इंश्योरेंस, तीसरा है SBI जनरल इंश्योरेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और भारत में आप देखेंगे मात्र 7 से 9% लोग जो हैं वो केवल इंश्योरेंस करवाते हैं, अपना बीमा नहीं करवाते। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब इसे टैक्स में भी जोड़ दिया गया है, मतलब कुल मिला के अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको टैक्स में भी क्या मिलेगी, बचत मिलेगी, छूट मिलेगी। तो इस पहल को जो शुरू किया गया है वो किया गया है SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो चलिए हम लोग अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। तो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टैक्स बचाने के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए जो हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने और टैक्स बचाने में मदद करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना जो है 2009 में हुई थी। वहीं पे आप देखेंगे जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसका मुख्यालय मुंबई में है और SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के भी वर्तमान में MD और CEO जो हैं वो है प्रकाश चंद्र कांडपाल। उसके अलावा अगर SBI की हम लोग बात करें तो SBI भारत का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर आप बोल सकते हैं जिसको हम लोग बैंक बोलते हैं और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से एक बैंक हुआ करता था जिसका राष्ट्रीयकरण हम लोगों ने किया था 1955 में और उसी के स्थान पर SBI को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये। KVIC ने किस शहर में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च कर दिया है। आज का इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा। चार ऑप्शन आप लोगों के पास में, पटना, गाजियाबाद, रोशनाबाद या फिर फतेहाबाद। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि गाजियाबाद। चलिए, तो इस प्रकार के ये जो वैन है ये पहली वैन है, मैं आप लोगों को बता दूं और इसकी लागत जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। लगभग आप देखेंगे 15 लाख रुपए की लागत से जो इसको बनाया गया है 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद जो है बना देती है और हाथों हाथ अगर आप चाहें तो शहद का परीक्षण भी कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है, जब भी पहला या ऐसे इस प्रकार से कुछ आता है तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको अभी शेयर कर दें और हाँ, लाइक करके अपना सपोर्ट भी मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये। पीटर बगदानोविच का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे, आपको बताना है। चार ऑप्शन आएंगे आपके पास में। पहला है राइटर, दूसरा है पॉलिटिशियन, तीसरा है लीडर और चौथा है पोएट। तो जो पीटर हैं इनका जो 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये एक बहुत बड़े लेखक थे और उसी के साथ साथ एक बड़े प्रोड्यूसर भी थे। ठीक, उसी के साथ साथ आप देखेंगे हॉलीवुड में जाने माने लेखक और निर्देशक पीटर बोगदानोविच का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पीटर ने 70 के दशक में सबसे चर्चित फिल्म मेकर्स में से एक है। पीटर ने अपनी खुद की फिल्म निर्देशन भी की है जो कि 1968 में टारगेट नाम से लॉन्च की गई थी। तो आज जाके आप लोग ज़रूर इस मूवी को देख सकते हैं।
उसके बाद में ओपेक ओपीईसी के नए महासचिव के पद पे किसे नियुक्त किया गया है। ओपी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जितने भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उन्होंने एक समूह बनाया है। अभी हाल ही में उसके जो सेक्रेटरी जनरल है किसको बनाया गया है। ऑप्शन नंबर एक है बिन कासिम बिन लदवाई, ऑप्शन नंबर बी है मकसूद बिल अलसी, ऑप्शन नंबर सी है अलबिस ओल सिवान और ऑप्शन नंबर डी है हैथम अल घीस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि हैतम अल घीस। तो ये है हैतम अल घीस जिनको आप लोग देख रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के हाल ही में इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने कुवैत तेल के कार्यकारी हैतम अल घीस को अपना नया महासचिव बनाया है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अनुभवी साल 2017 से जून 2021 तक ओपेक के महासचिव के महासचिव मोहम्मद बडिको की जगह लेंगे। ओपेक का मुख्यालय आप लोग जानते हैं वियना में है और इसकी स्थापना जो है वो है 1960 में हुई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें तो ये सारे देश मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन एक जो वेनेजुएला है वो भी आप लोगों को इसका देश मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि वेनेजुएला जो है वो किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। तो ये आज के क्वेश्चन थे, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब कर लें आप अपने लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।